हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप LLB चाहे आप BHU टारगेट कर रहे हो या DU टारगेट कर रहे हो, 2024 में इसकी तैयारी करना चाह रहे हो और आप एडमिशन लेना चाह रहे हो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस है इस मामले में, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। देखो, BHU में लेना हो या DU में लेना हो, आपको कंप्लीट सिलेबस मैं बताऊंगा, क्या सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे आपको ये हेल्प होगा। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जितने भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे, जितने भी स्टडी मटेरियल देंगे, ये सब हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। कहाँ पे? अपने एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे। तो हमारा अपना एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या है? एकेडमी पॉइंट, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फायदे क्या होंगे? आपको फ्री में टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो, LLB का अगर सीट एंड बाकी सारे डिवीजन की बात करें, ये LLB DU का है, CUET पेपर कोड COQP11 है। तो अब क्यों ये जरूरी है और ये CUET क्या है? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। इसमें सेंट्रल जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सबको एक जगह करके कोर्सेज का एक सिंगल एग्ज़ाम लिया जाता है और रैंक के बेसिस पे जहाँ जहाँ आप रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ आपको बुलाया जाएगा। तो अच्छे रैंक लाओगे तभी BHU DU मिलेगा, तो टारगेट अभी से लॉक कर लो। देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, NTA ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है भाई, और ये शेड्यूल ऐसा शेड्यूल नहीं है। ये देखो आप, इस शेड्यूल को जारी करने में उन्होंने लिखा है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन JEE मेन का है, फिर नीट का है, ये सब डेट मिस नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2024 UG का, या अंडर ग्रेजुएट BA BSc BCom या VA वोकेशनल कोर्सेज का जो एडमिशन होगा वो 15 मई 2024 से 31 मई 2024 तक वो ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। और जो आपके PG के कोर्सेज होंगे उनको तो और पहले ले रहे हैं वो लोग, 11 मार्च से आपके 28 मार्च के बीच में, ठीक है, समझ में आ गया। 11 मार्च से 28 मार्च तक ये आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा PG वाले बच्चों का। अब UGC नेट का भी है, इन्होंने भी अपना सेशन दे दिया है, सेशन 1 का 10 जून से 21 जून 2024 के बीच में। तो ये अलग अलग सेशन है। डेट कार्ड देने का मतलब है एग्जामिनेशन कैलेंडर की अब पहले वाली बात रही नहीं कि जुलाई अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम पहले हो जाएगा। हमारा एप्लीकेशन जो है एकेडमी पॉइंट जरूर डाउनलोड करिएगा और इसका कोड अगर मांगे तो आप ये सब डाल सकते हो, आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो भी। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो स्टोर टैब पे देख सकते हो, काफ़ी सस्ते दाम पे, इवन 1500-2000 रुपये में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग DU का देख लेते हैं। DU में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं या BHU के जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका हमने एक ग्रुप बना रखा है और वो ग्रुप में हम रेगुलर अपडेट आपको देते रहते हैं कि क्या और कैसे किया जा रहा है, ठीक है। तो बैचलर डिग्री आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए, 50% मार्क्स उसमें होने चाहिए तभी आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है, या फिर मास्टर्स डिग्री में 40% मार्क्स होने चाहिए। अब इसमें कैटेगरी 1 में इतनी सीटें हैं, DU का डिटेल वीडियो जो हमने बनाया था कट ऑफ वाला, CLC 1 LC 2, ये आपको मिल जाएगा कहाँ पे? ये मिल जाएगा आपके प्लेलिस्ट में, मतलब LLB 3 ईयर का प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो सारे वीडियो आपके काम के हैं, कट ऑफ उसमें आपको पता चल जाएगा, एनालिसिस आप कर पाओगे। तो कोड जो है आपका, इस कोड का सिलेबस क्या है ये देख लेते हैं। पेपर कोड है COQP11, यहाँ ध्यान से देखिए, पेपर कोड क्या है? COQP11 LLB पैटर्न 3 इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये का एंट्रेंस होगा। यहाँ पे है कोड, आपने देख लिया सेम है आपके, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है, कॉमन एग्जाम होगा, पैटर्न यही इस्तेमाल होगा। देखने में ये छोटा सिलेबस है, इसमें GK में आपको करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्चुअली कुछ क्वेश्चन और जो देश विदेश में खबरें चल रही हैं ये सब आपसे पूछ लिए जाएंगे। लैंग्वेज में एंटोसाइनो, एडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, अगर आप हिंदी दे रहे हो तो हिंदी का, लेकिन DU जो है वो इंग्लिश ही प्रेफर करेगा, इंग्लिश ही आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक्स नॉलेज जो हम आपको पढ़ाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग। सो प्यारे दोस्तों, पेपर कोड हम फिर से देख लेते हैं, COQP11 है LLB का, जिसमें सिलेबस जो है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, GK में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड जो करंट अफेयर्स के पॉपुलर टॉपिक्स हैं ये पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको अपने आप को अपडेट रखना है, न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन सबको पढ़ो
और पढ़ के रिविजन करते रहो, ठीक है? क्योंकि बहुत बार होता है क्या कि बच्चे पढ़ते तो जरूर है, रिविजन नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। ये आपका LLB यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सिलेबस है। अब हम देख लेते हैं कि क्या BHU का भी सेम सिलेबस है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है? और व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं DU के, BHU के, तो कीप अपडेटिंग, आपको हम अपडेट करेंगे, मेंटरिंग करेंगे और उन बच्चों से भी आपको बताएंगे कि कैसे एडमिशन होता है। सो चलिए, ये LLB का CO QP 11 लॉ है। LLB पैटर्न 3 इस्तेमाल होता है, लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सेम पैटर्न है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक बेस्ड रीजनिंग, जिसमें मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन भी होंगे, कुछ अनुमान भी होगा, कुछ इन्फरेंस भी होगा, उसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं, राइट? ये BHU का सिलेबस है। BHU में अगर एलिजिबिलिटी देखोगे तो आपको 50% मार्क्स ओवरऑल चाहिए, फाइनल जो आपका मार्कशीट होगा ग्रेजुएशन के उसमें। तो ये BHU में क्या है कि ऐसा 50% और उसमें इसमें डिफरेंस है? नहीं, सिंपल समझो, आपकी एलिजिबिलिटी जो है आपकी फाइनल ईयर की मार्क्स या फिर तीनों में ओवरऑल, इनके इतने बड़े स्टेटमेंट का यही मतलब है, 50% होना चाहिए, 50% से ऊपर, तभी आप ये फॉर्म भर पाओगे। अब बात करते हैं कि भैया ये हमने सिलेबस बता दिया, कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आप जब देखोगे ना, मैंने कट ऑफ की पूरी एक सीरीज ऑफ वीडियोस डाली है, DU की और BHU की दोनों की, आपको LLB की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चीज़ को हम यहाँ बहुत छोटे में आपको समझाते हैं। मैं देख रहा हूँ 70%, अगर आप ये दोनों कॉलेज चाहते हो, क्योंकि मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों में सिलेक्शन लिया है, और चूंकि हॉस्टल के लिए बच्चों का रुझान रहता है तो वो BHU फिर ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर उनको अगर अच्छा एक्सपोजर चाहिए तो DU फिर ज्वाइन करते हैं, वो तो उनके उस पर डिपेंड करता है। मुद्दे की बात यही है कि आपको इसके कट ऑफ की जानकारी वहाँ मिल जाएगी, रेगुलर अपडेट मैं दे रहा हूँ। 70% से अबव आपको टारगेट रखना है टोटल का, 400 नंबर के हैं तो 280 के ऊपर ही टारगेट रखो, ठीक है? क्योंकि इस बार जो हाईएस्ट स्टूडेंट था उसका 375 नंबर था, सोचो कितने अच्छे दर्जे की तैयारी होगी, वो कितना बढ़िया से तैयारी करता है, बच्चे कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको भी वो करना पड़े, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर सीट की बात करें BHU में तो लगभग आपको हम बता दें 300 के आसपास सीटें हैं, लेकिन DU में कितनी सीटें थे? DU में सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट 2200 सीटें हैं, इन सबको आप जोड़ोगे तो 2200 सीटें होता है हो जाती हैं। DU में चांसेस ज़्यादा हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है, हिंदी अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आपको चेंज करना पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल है। कैंपस लॉ सेंटर 1, 2 एंड CLC, ये जो है टॉप के लॉ कॉलेजेस हैं इंडिया के, बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, दिल्ली जो लोअर कोर्ट है उनके जज यहाँ पे बनते हैं। सो क्लियर है, ये LLB हो गया आपका। आपको NTA का ये डेट शीट याद ही होना चाहिए, आप एप्लीकेशन भर सक कोशिश करो कि अभी के अभी डाउनलोड कर लो और हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर पाओ। कोर्स की फीचर्स हम आपको बता देते हैं, आपको सब वो चीज़ें मिलेंगी, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ईबुक, PDF एंड फुल मेंटरशिप। हम वेबिनार भी ज्वाइन करवाएंगे आपसे, ताकि आपका जो आपसे कहना सुनना और समझना ये सारा चीज़ हम कर पाएँ। सो आपको प्ले स्टोर पर ये ऐसे दिख जाएगा, अकेडमी पॉइंट के नाम से आप सर्च कर सकते हो, एजुकेशन ब्राउन मीडिया, ठीक है? अकेडमी पॉइंट, इसको आप अपडेट नहीं होगा तो अपडेट कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, वही चीज़ें हैं, अपना नाम और ईमेल आईडी देकर के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद ऑटोमेटिकली ये फिर आगे आपको बढ़ाएगा। सो ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं है, आप ये करोगे फिर बाकी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। LLB क्या है, कैसा कोर्स है, ये हमने LLB की प्लेलिस्ट में बताया है। तो ये जो दोनों आपके साइड में वीडियोस देख रहे हैं ये आपके काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो ज़रूर देखिएगा। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।